तो गाइस अभी हम लोग ये बेलापुर की तरफ से आ रहे थे और डायरेक्शन में उलवे की तरफ, मतलब सीधा है कि तो उलवे की तरफ है। और अपना जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है ये यहाँ लेफ्ट में चल रहा है, तो हम लोग ले गए यहाँ से लेफ्ट। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, दिस इज़ योर मोहम्मद फैजान गाजी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एम एफ के व्लॉग्स। तो गाइस आज है फ्राइडे 3 दिसंबर 2021 और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साइड को। तो हम लोग आज देखेंगे कि इसका कितना क्या काम हुआ है, कितना बाकी है, एक्चुअली उलवे हिल को प्रॉपर करने का काम चल रहा था वो कितना हो चुका है। तो गाइस वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ ना तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और गाइस मैं आपको जो नए लोग हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इस एम एफ के व्लॉग चैनल पे हर महीने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करंट प्रोग्रेस दिखाया जाता है। तो और उसी के साथ साथ जो भी दूसरे मुंबई मेकर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक, मुंबई कोस्टल रोड, एरोली कल्याण फ्रीवे और सारी मेट्रो लाइंस का करंट प्रोग्रेस मैं हर महीने दिखाता हूँ, तो आप इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अभी देखो यहाँ पर भी काम चल रहा है, थोड़ा अंदर जाते हैं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भी हिल को तोड़ के प्रॉपर किया गया है, तो इसी का ये काम चल रहा है। देखो ये सब सरफेस किया जा रहा है, ये काम तो इससे पहले मुझे पूरे एयरपोर्ट पे कहीं नहीं दिखा था। तो बहुत ही अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे। तो देखो मतलब काम की स्पीड काफ़ी अच्छी बढ़ गई है और यहाँ पे भी वही मतलब रास्ता से बनाया जा रहा है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है। तो हम लोग इसी तरह पूरी जो साइड है उसका पूरा प्रोग्रेस देखेंगे कि कितना क्या काम हुआ है। तो अभी यहाँ का तो हम लोग ने ऑलमोस्ट देख लिया, थोड़ा आगे चल के देख रहे हैं, फिर मैं यू टर्न मार लूँगा और फिर पूरा रूट देखो, वहाँ पे भी मशीन्स वगैरह है। तो अभी हम लोग चलते हैं, यू टर्न मारते हैं। हम लोग चलते हैं पूरी साइड को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे से आते वक्त तो मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट फंस गई थी, देखते हैं अभी दूसरी तरफ से। अरे बाप रे बाप, गया मैं। पूरी लग गई मेरी वांट। गाइस देखो मेरे पैर वैर की लग गई, मेरे कपड़े भी खराब हो गए, निकलते यहाँ से।
काफ़ी पहले निकलते हैं यहाँ से, फिर मैं ज़रा मेरे पैर वैर धो लेता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो चल रहा है काम। तो गाइस अब मैं आपको नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ देता हूँ जो मैंने कुछ आर्टिकल्स में रिसेंटली पढ़े हैं। तो गाइस संजय मुखर्जी जो वाइस चेयरमैन और एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सिडको के, उन्होंने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की न्यू डेडलाइन दी है जो है 31 दिसंबर 2024। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम को लेकर जल्द ही सेकेंड प्रोटेस्ट होने वाला है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामकरण कृति समिति ये प्रोटेस्ट करने वाली है, जिन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, ये सेकंड प्रोटेस्ट है और उसके लिए मीटिंग भी कर रही है। वो चाहते हैं कि उनके लीडर लेट डीबी पाटिल सर के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा जाए। और तीसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि अदानी ग्रुप ने 15,000 करोड़ फंडिंग SBI से लिया है फॉर NMI नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। लगता है आगे जाके बहुत गंदी गंदी वाटर क्रॉसिंग आने वाली है। देखो वहाँ पे दूर पे मतलब पूरा रेत का पहाड़ जैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे भी वो पहाड़ वगैरह थे सबको तोड़ा गया है। देखो काम की स्पीड अच्छी मेरे को दिख रही है, फास्ट दिख रही है। लास्ट मंथ जब आया था तभी भी यानी मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा था और कंपेयर किया जाए उससे तो अभी है इम्प्रूवमेंट। और पहले जब मैं आता था तो मुझे कुछ खास यानी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता था। और जैसा कि अभी शायद यानी मतलब अदानी जी के अंडर में है और पहले GV के था, उल्वे हिल को भी अच्छे से फटाफट तोड़ा जा रहा है अभी।
देखो यहाँ पे काम चल रहा है। ये पूरा जितना एरिया दिखा रहा हूँ ये पूरा यानी मतलब इसमें ही आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंडर में, जहाँ तक मैं पूरा दिखाऊंगा सब। यहाँ पे आ गए ना पूरा वो रहता है मतलब पानी जमा होता है, तो देखेंगे क्रॉस कर पाएंगे क्या नहीं हम लोग। देखो यहाँ पे पूरा हील अच्छी तोड़ रहे लोग, फास्ट चल रहा है काम। बाप रे बाप, पूरा यहाँ पे कीचड़ जमा हुआ है, तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है जाना। ये तो आगे का भी मैं दिखा देता आप लोगों को, तो गाइस वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं।